Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Paresh Ranaut. Today we learn about how to merge Excel data sheet with MS SQL. On detail I will guide you, please be touch with me till end. I have downloaded 3 data sheets from Google. This is a data sample. I'll show you inside the data sample. This is my data sample. Okay, I'll show you another one also. See, this is my data sample. We need to do operation with this data sample. Input data. Okay. Now I'll show you how to merge multiples data sheet with MS SQL. Okay, let's open my MySQL server Studio Management. It will ask for password, login credential to connect my server. Connected successfully. I'll show you in database. I have created my own database. Okay. Earlier I have created that one, employer DB. Okay, DB means database. And inside the table I have 2 tables. One is company data and second one is company info. Inside the table I'll show you the column. See, this is those are column, job, fonts. Okay. I am doing practice and the columns, see, multiple columns I created, see. And now we learn how to merge any data sheet with MS SQL. Let's I'll show you. This is my database. If you don't know how to create database, please ping me. I'll get back to you and I'll show you also how to create database with MS SQL server. Okay, let's start. Click the right button and one option is here, task. Okay, inside the task option, import. One is import option, one is export option. Okay, import data and export data. Uska meanings kya hai, import data ka meanings kya hai and export data ka meanings kya hai, if you don't know. If you know or don't know, some beginner people say don't know import and export. वैसे आपको पता होगा, जो भी विग्नर हो उन लोगों को पता नहीं, उधर कंफ्यूज होता है. एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है. इंपोर्ट है बेसिकली डाटा को आप इंपोर्ट किसी से भी, कोई फोल्डर से, कोई भी हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनली हार्ड डिस्क कि डाटा आप लेके आ रहे हो. इम्पोर्ट मीन्स आपका डाटा जो सर्वर तक लेके आ रहे हो, है ना. कोई भी आप ड्राइव से डाटा लेके आ रहे हो, सर्वर का अंदर रख रहे हो, मीन्स इम्पोर्ट. एंड एक्सपोर्ट मीन्स आप डाटा सर्वर से बाहर दे रहे हो, किसी को भेज रहे हो, एक्सपोर्ट, है ना. बोलते हैं ना एक्सपोर्ट करना, है ना. तो डाटा बेस से आप दूसरे को भेज रहे हो, मीन्स एक्सपोर्ट आप दे रहे हो, मीन्स एक्सपोर्ट करना. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. अभी मेरे को इंपोर्ट करना है क्योंकि मेरा डाटा बाहर है, अभी मेरा फोल्डर का अंदर है, मैं उसको इंपोर्ट करूँगा. ठीक है, हमें डाटा बेस का अंदर लेके आना है मुझे. मैं इंपोर्ट सिलेक्ट करूँगा एंड वेलकम टू माई SQL. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट सिंपली करना है, नेक्स्ट करना है. उसके बाद डाटा सोर्स एक ऑप्शन है ना. उसमें डाटा सोर्स मीन से कौन सा एक्सटेंशन, कौन सा फाइल में आपका डाटा है, वो हमको इधर सिलेक्ट करना पड़ता है. तो मेरा डाटा किधर है आपको शायद दिखाई दिया होगा. मेरा डाटा एक्सेल फॉर्मेट में, राइट. अब एक्सेल फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया. एंड कौन सा एक्सेल फॉर्मेट, आप कौन सा एक्सेल यूज कर रहे हो. मेरे को 2010 एक्सेल में यूज कर रहा हूँ, राइट. ओके, एंड मुझे को वो डाटा लेटर्स है ना, वही डाटा को मुझे रखना है. सिलेक्ट कर दिया. मैं कोई भी डाटा चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं उसको ऐसे चूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसके बाद चूज ए डेस्टिनेशन चूज करेंगे हम अभी. ठीक है, डेस्टिनेशन क्या करेंगे, किधर रखना है आपको. फिर एक्सेल वो इधर देखो बहुत कंफ्यूजिंग है कि फिर लोग क्या करते हैं ना, इधर माई एक्सक्यूएल सिलेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल ना, उधर सिलेक्ट कर देते हैं.
वो डेस्टिनेशन बोल रहा है, वो पहले क्या वो मांग रहा था कि आपका डाटा कौन सा फॉर्मेट पे है, अभी बोल रहा है डेस्टिनेशन आप किधर रखोगे डाटा। तो मेरे को चाहिए मेरा डाटा मेरा MySQL सर्वर का अंदर, ठीक है, प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर SQL सर्वर, मैं सिलेक्ट करूँगा सर्वर, ठीक है। तो इधर फिर मांगा मेरे को लॉग इन क्रेडेंशियल, जब भी आप डाटा बेस क्रिएट करते हो कोई भी यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, जिस क्योंकि मेरे को एक पासवर्ड लगा हूँ मैं SQL सर्वर का, ऑथेंटिकेशन मेरे पास है, मैं पासवर्ड सेट किया हूँ, यूजर पासवर्ड मेरे पास है, सो आई विल गो विथ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, नॉट एन इशू, यू कैन गो विथ ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, नॉट एन इशू, ओके। तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करूँगा एस है, एंड मेरा पासवर्ड है, टाइप कर दिया। देखो उधर डेटाबेस भी लिखा है, आप डेटाबेस आपके पास इफ़ यू हैव मल्टीपल डेटाबेस, सी वो जो मास्टर मॉडल MSDB TempDB वो सब MS SQL का है, डिफॉल्ट डेटाबेस है, बट आई डोंट वॉन्ट टू सेव विथ दिस डेटाबेस। मेरा ओन डेटाबेस मैं क्रिएट किया हूँ EmployeeDB, मैं उसका अंदर रखूँगा, मैं तो फिर उसको सिलेक्ट किया, तो फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद कॉपी डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यूज मुझे नहीं चाहिए, एंड राइट ए क्वेरी टू स्पेसिफाई द डाटा टू ट्रांसफर, मुझे डिफॉल्ट में जाना है, उसमें कॉपी कॉपी करना है मुझे, ठीक है। तो उसमें आप किधर सेव करोगे, तो सोर्स में रखूँगा, मुझे ना वही डेस्टिनेशन में रखना है, सोर्स डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लूँगा, बाय डिफॉल्ट इधर रहने देंगे हम। उसके बाद कंप्लीट वाइज उसका हम फिनिश करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा सारा जितना भी कॉपी होगा, देखो धीरे मेरा कॉपी हो रहा है, डाटा कॉपी हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, रेटिंग हो रहा है, वैलिडिटी हो रहा है। देखो मेरा टोटल कितना है, 44,416 रोज ट्रांसफर, ओके। तो अभी मैं क्लोज कर देता हूँ उसको, है ना। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे डाटाबेस का अंदर जाके मैं ना उसको रिफ्रेश कर दूँगा, एकदम रिफ्रेश कर दूंगा, नहीं तो आप इधर भी इधर रिफ्रेश कर सकते हो, नहीं तो इधर भी रिफ्रेश कर सकते हो, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दोगे। उसके बाद आपको जाना है आपका टेबल का अंदर, देखो मैं उधर चार सिलेक्ट किया ना, उसीलिए मेरा इतना आ गया है, कोई बात नहीं, उसको भी आप कर सकते हो, पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करोगे तो भी एक आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके अंदर आप कलम जाओगे, कलम देखो आपका कलम आ गया, उससे बाहर नल वैल्यू है, मैं इसको आपको शो कर देता हूँ, डाटा सिलेक्ट हो, देखो वो सब मेरा है डाटा, दिखाई दिया, मैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था सभी, जो मैं जो भी डाटा इंपोर्ट किया था मैं, वो सब शो कर रहा है। चलो एक्चुअली डाटा वो है, मैं आपको दिखाया था ना, वो उसका डॉम्प फाइल है, एक्चुअली वो उसका डॉम्प फाइल है, वो एक्चुअली डाटा वो है, ठीक है। वो मेरा है फास्ट कलम, कलम वो है फास्ट, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, मेरा फोल्डर में जाके आपको दिखा देता हूँ, वही डाटा में क्या था, मैं लेटर ओपन, देखो इधर जो डाटा भी है मेरा, जो भी डाटा है इधर सब मेरा MS SQL में जाके चेक करूंगा, तो इधर शो कर आप लोगों, वो भी उसका डॉम फाइल होगा, सही नहीं होगा बस, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। Bye bye, take care, good night, we'll see you later.